एक हमारा पड़ोसी देश है चीन, एक हमारा पड़ोसी देश है। आप जानते हैं कौन सा जो हमसे अलग हो गया? पाकिस्तान। मैडम भाई, भारत से अलग होने के बाद हमारे उस पड़ोसी के द्वारा बराबर यह हरकत की जा रही है कि भारत को तोड़ दिया है, भारत को कमजोर कर दिया है। इसे बराबर आतंकवादी अपनी धरती से भारत में भेजता है और हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। हम लोगों ने भी फैसला कर लिया है कि हम उसका भरपूर जवाब देंगे और भरपूर जवाब हम वहां पर दे रहे हैं भाई। और एक बार उसने इतनी नापाक हरकत कर दी उई और पुलवामा में, क्या आपने देखा? जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता वह करके हम लोगों ने दिखाया। हम लोगों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों का सफाया किया है भाइयों। यह है यानी हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। एक बार धरती पर जाकर मारा और दूसरी बार जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करके उनका सहारा किया गया भाइयों। आज ये भारतीय कूलत है। एक और पड़ोसी देश, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन देश का रक्षा मंत्री होने के नाते यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे भाई भाइयों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, किसी भी सूरत में हम देश का वस्तक सुखने नहीं देंगे चाहे आपको जितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न दे। अब योगी जी को 5 साल काम करते हुए, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं मैं जानता हूं, योगी जी को काम करते हुए जो मैंने देखा है मेरे भाई भाइयों, मैं कह सकता हूं ऑलराउंडर खिलाड़ी और बल्लेबाजी, बल्लेबाजी तो करते ही हैं और जब गेंदबाजी पर उतरते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का के विकेट को उखाड़ देते हैं। क्या फफा, क्या बफा, क्या कांग्रेस, योगी जी की इन फिंगर और आउट फिंगर ये आगे कोई टिक नहीं पाएगा मेरे भाइयों। ये मेरा सामने के बात है, नौजवानों ने क्रिकेट की भाषा समझने के नहीं समझे है ना, या बल्लेबाजी ने गेंदबाजी तो बना देंगे। मैं मान कर रहा हूं पिछली बार जैसे एक चीट छोड़कर था बुंदेलखंड की सारी चीटें, सारी सारी जीत रही पक्का पक्का